हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर वन। और यूनिट नंबर वन में मैंने आपको पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने देखा था न्यूरॉन, न्यूरॉन में सिग्नलिंग होती कैसे है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं, सब कुछ हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पूरे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा देखेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड पहले ही पढ़ा रखी है, तो जिसने नहीं देखा अभी प्लेलिस्ट जाओ चेक कर सकते हो स्पाइनल कॉर्ड आप, नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक भी शो हो रही होगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनिंजीज, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, सब कुछ। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अगर आपने सुन लिया समझ लिया तो आप आसानी से लिख सकते हो, 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आते हैं दो पार्ट। नर्वस सिस्टम सब डिवाइडेड होता है हमारा, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर ही क्लासिफाइड होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको पढ़ा रखा है, ब्रेन आज का आपका लेक्चर है। तो आप ये क्लासिफिकेशन लिख सकते हो चाहो तो, कि नर्वस सिस्टम को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो नर्वस सिस्टम किस तरह से क्लासिफाई होगा। देखिए, नर्वस सिस्टम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन ब्रेन देखेंगे और स्पाइनल कॉर्ड मैंने पढ़ा रखा। तो देखो, ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ब्रेन जो है ये रहा आपका, काफी अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता है ब्रेन को। ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रेन से ही सारी एक्टिविटी होती है। अगर आपका सीएनएस डैमेज हो गया ना तो आपकी सारी एक्टिविटी बंद हो सकती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा कमांड रखता है हमारी पूरी बॉडी पे, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है ना वो प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियल कैविटी में, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है मान लो, तो ये जो है कैविटी में प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और अगर मैं आपके फेस की बात करूं, जैसे ये आपका मैं ब्रेन की बात करूं इस तरह से, ये आपका फेस बना दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ये जो आगे वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, और ये जो ईयर वाली साइड है दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल, और जो पीछे वाली साइड है दिस इज कॉल्ड ओसिपिटल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी क्रेनियल कैविटी में फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, दो कान है ना आपके, देख लो, तो यहाँ पे लिखा है दो, ठीक है। तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि ब्रेन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीएनएस जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीएनएस के बिना सारी एक्टिविटी रुक सकती है। ये जो है ब्रेन, ये क्रेनियल कैविटी में प्रोटेक्ट रहता है। उसको अगर मैं देखूं तो वहां पे एक फ्रंटल है, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ओसिपिटल, ठीक है। अब अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो चिढ़ने वाली बात है नहीं, पर ब्रेन जो होता है मेल्स में होता है 1400 ग्राम, ठीक है, और फीमेल में होता है 1250 ग्राम। अब महिलाओं में दिमाग कम होता है ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल होता है उनका वेट होता है 1400 ग्राम, और जो फीमेल होता है उनका वेट होता है 1250 ग्राम। ये आपको, ये तो है फीमेल का साइन और ये है मेल का साइन, ठीक है। मेल में 1400 ग्राम, मेल में जो है ब्रेन ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, ठीक है। अभी डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेना तो आपका आधा लेक्चर तो इसी में खत्म हो जाएगा। तो देखो इस डायग्राम में क्या खास बात है, यहाँ पे मैंने आपको सारे लोब्स बता रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो है फ्रंटल लोब, ये है पेराइटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब। ओके, जो फ्रंटल लोब है वहां पर क्या होता है, मोटर कोर्टेक्स होता है। फ्रंटल लोब में क्या होता है, मोटर कोर्टेक्स, जो कि वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो जिन पे हमारा कंट्रोल है उन मसल्स को कंट्रोल कौन करता है, मोटर कोर्टेक्स, और वो कहां पर होता है, फ्रंटल लोब में।
जो पेराइटल लोब है, पेराइटल लोब में आप देख सकते हैं ये कुछ सेंसरी एरिया है जो कि सेंसेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी एरिया कहाँ पर होते हैं? पेराइटल लोब में। और फ्रंटल लोब में क्या होता है? मोटर कोर्टेक्स, जो कि कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मसल्स को, ठीक है। और फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब दोनों एक दूसरे से सेपरेट किससे होते हैं? ये सेपरेट होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको नाम दे रखा है, सेंट्रल सल्कस से। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने नंबरिंग करी हुई है 1, और 1 को मैंने नीचे नाम दिया हुआ है सेंट्रल सल्कस। तो ये दोनों जो है डिवाइड किससे होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल सल्कस से। जो हमारा फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, ये दोनों डिवाइड होते हैं सेंट्रल सल्कस से। और फ्रंटल लोब में मिलता है मोटर कोर्टेक्स, और पेराइटल लोब में मिलता है सेंसरी एरिया। ओके, नाउ थर्ड यहाँ पे आपको दे रखा है, ये जो डिवीजन है इसके ऊपर आपको दे रखा है ब्रोकास एरिया, जो कि मोटर स्पीच एरिया है, ठीक है। टेम्पोरल लोब से ऊपर है ब्रोकास एरिया। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपको। और टेम्पोरल लोब, नाम से पता लग रहा, जो टेम्पोरल लोब है वो ऑडिटरी एरिया है, सुनने वाला, ठीक है, साउंड इंटरप्शन एरिया, ठीक है, साउंड का इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सारे एरिया आपको क्लियर हो गए कि यहाँ पे फ्रंटल है और पेराइटल है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। सेपरेट का नाम मैंने आपको बता दिया सेंट्रल सल्कस, और जो यहाँ पर मैंने 2 और 3 नंबरिंग करी हुई है इनके भी नाम मैंने आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल सल्कस, सेकेंड वन इज पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, एंड थर्ड वन इज सेल्वियन फिशर। ओके, और नीचे मैंने आपको बता रखा है दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज सेरिबेलम। तो एज इट इज आपको डायग्राम बना देना है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको बताना है कि ये फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल, ये दोनों सेंट्रल सर्कल से सेपरेट है। पेराइटल लोब में सेंसरी एरिया है, फ्रंटल में मोटर कोर्टेक्स है, यहाँ पर ब्रोकास एरिया है जो कि मोटर स्पीच एरिया है, ठीक है। और टेम्पोरल को सेपरेट कौन करके रखता है? टेम्पोरल को सेपरेट है थर्ड वाला करके रखता है, जिसका नाम है सेल्विन फिशर। यहाँ पर नीचे आपको पोन्स बता देना है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये एक डायग्राम हो गया आपका। अब देखो मेनिंजिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेनिंजिस का एग्जैक्ट डायग्राम मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। मैं एक बार आपको सिंपली समझा देता हूँ मेनिंजिस होती क्या है। देखो हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कोर्ड को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इनके ऊपर जो है लेयरिंग होती है इस तरह से, ठीक है, लेयर्स प्रेजेंट होती है इस तरह से, 1, 2 एंड 3, इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के ऊपर, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि जो ब्रेन है, ब्रेन को आपने ब्लू कलर से बनाया था, ये आपका ब्रेन, और इस ब्रेन के ऊपर आपने 3 लेयर बताई है, 1, 2, 3, और ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे नाम होते हैं इनके, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है अरेकेनॉइड विलाई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार, पायामेटर ड्यूरामेटर दे रखी है, डायग्राम बता रखा है। ओके, ये जो है पायामेटर है, पायामेटर जो होती है सबसे अंदर होती है, जैसे मान लो ब्रेन है तो ब्रेन के पास वाली, सबसे पास वाली कौन होती है? पायामेटर, ऐसे याद रखो, पिया, ठीक है, पिया सबसे पास होती है, दिल के करीब होती है, प्रिया नहीं बोल रहा हूँ नालायक को, पिया बोल रहा हूँ, पायामेटर, ठीक है। तो पायामेटर जो है सबसे पास होती है, उसके बाद आती है अरेकेनॉइड, कौन सी आती है? अरेकेनॉइड। और इवोल्यूशन जब आपने पढ़ा होगा तो अरेकेनॉइड के लिए एक लाइन कही गई है कि अरेकेनॉइड जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेमेलियन का, हम मेमल्स है तो कैसे पता लगेगा हमारे अंदर अरेकेनॉइड है, ठीक है। तो अरेकेनॉइड हो गया, पायामेटर हो गया, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। अब जो ड्यूरामेटर होती है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, हार्ड होती है, कैसे पता लगा? अरे भैया सबसे बाहर है, और बाहर है तो बचाव का काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेकेनॉइड में क्या होता है, अरेकेनॉइड विलाई इस तरह से प्रेजेंट होती है, ठीक है, और विलाई का क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन करना। और एक बात और याद रखना, सब अरेकेनॉइड स्पेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये तो पायामेटर हो गई सबसे अंदर की, फिर उसके बाद अरेकेनॉइड आ गई, फिर सबसे बाहर की आ गई ड्यूरामेटर, सबसे अंदर की क्या हो गई? पायामेटर लेयर हो गई, यहाँ मान लो ब्रेन है, सबसे अंदर की ब्रेन के साथ चिपकी हुई कौन सी हो गई? पायामेटर, फिर आई अरेकेनॉइड, और फिर बाहर की कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर, ठीक है। अब यहाँ पर CSF बनता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कहाँ पर? सब अरेकेनॉइड स्पेस में, किस जगह? यहाँ पर जो है फ्लूइड बनता है जिसको हम कहते हैं CSF,
CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड काफी काम का होता है, ठीक है। देखते हैं इसके फंक्शन भी, देखते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के। यहाँ पर मैंने सबका लिखा हुआ है कि ड्यूरामीटर क्या होती है, पायामीटर क्या होती है, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये नोट्स मैं सारे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। ओके, ये अरेकेनॉइड के लिए लिखा हुआ है कि मिडिल होती है, हमने देखा क्या कि सबसे अंदर पायामीटर, फिर अरेकेनॉइड आती है, फिर सबसे बाहर ड्यूरामीटर। तो अरेकेनॉइड मिडिल हुई कि नहीं हुई, तो वही सब लिखा हुआ है। पाउंड ओनली इन मैमल मैंने आपको बता दिया, तो एक बार आप पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। और लेप्टोमेनिंजिस एक टर्म होती है जो कि आपके काम की तो नहीं है, पर आप जान सकते हो कि लेप्टोमेनिंजिस क्या होती है, कि जब पायामेटर और अरेकेनॉइड फ्यूज हो जाए, जब ये अंदर की जो लेयर है पायामेटर और ये जो बीच की लेयर है अरेकेनॉइड, ये दोनों फ्यूजन हो जाती है ना, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस। क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजिस। और अगर सिंपल बोले मेनिंजिस क्या होती है, तो तीनों लेयर मिला के बोल देना कि तीनों मेनिंजिस होती है। ये ब्रेन की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और यहाँ पर CSF बनता है। अब CSF की बात करें कि CSF क्या है, तो क्लियर एल्कलाइन फ्लूड है, जस्ट लाइक लिम्फ, लिम्फ की तरह ही क्लियर एल्कलाइन फ्लूड है। पर ये CSF आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और देखो इट हैज प्रोटीन। CSF के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, बाइकार्बोनेट, बहुत कुछ होता है CSF के पास, ठीक है। और वो सब जो है हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल की बात करूं, तो 24 आवर में 500 ml जो है CSF बनता है। एक दिन में हमारे ब्रेन में कितना ml CSF बनता है? 500 ml, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब बाय अरेकेनॉइड विलाई। और मैंने जो आपको वहां पे बड़ी बड़ी अरेकेनॉइड विलाई दिखाई थी ना इस तरह से, वो अरेकेनॉइड विलाई क्या काम होता है? विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। तो अरेकेनॉइड विलाई क्या करती है? CSF को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेन को दे देती है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF जो है 150 ml एट ए टाइम, एक समय पे। अगर मैं मेरा ब्रेन को अभी चेक करूं इस समय पे, किसी भी टाइम पे, एक समय पे अगर आप चेक करोगे, तो आपको 150 ml जो है CSF मिलेगा आपके ब्रेन के अंदर। टोटल बनता कितना है? 500। अभी तो आपने बोला सर एक दिन में 500 ml बनता है, और अब आप बोल रहे हो सर कि एक बार चेक करने पर 150 ml ही मिलेगा, ऐसा क्यों? अरे भाई मैंने बोला है ना कि वहां पे विलाई होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेन को दे देती है, तो जो एक टाइम पे मिलता है वो 150 ml होता है। मतलब 500 - 150, तो 350 ml जो है ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है एरेकुनेट विलाई की मदद से, ठीक है। ये सब आपको फंक्शंस दे रखे हैं। और फॉर्मेशन कैसे होता है CSF का वो बता रखा है। मेनली इन कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस में फॉर्मेशन होता है, जो कि लेटरल वेंट्रिकल में है, और माइनर क्वांटिटी में भी होता है, जैसे थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होती है हमारी ब्रेन की। हमारे ब्रेन में काफी वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है? कम क्वांटिटी में CSF बनता है, और कोरोइड प्लेक्सस इस जगह पे ज्यादातर क्वांटिटी में CSF बनता है, ठीक है। तो CSF जो है कोरोइड प्लेक्सस में अच्छा बनता है, और माइनर क्वांटिटी में बनता है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। अब हम कलेक्शन ऑफ CSF कैसे करते हैं? जो आपकी स्पाइनल कोड है ना, वहां पे लंबर L5, इसको हम पंचर करते हैं, लंबर पंचर बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्शन लगाते हैं और कलेक्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ CSF यहाँ पे आपको दे रखे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है, बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है ब्रेन को, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, कुशन की तरह वर्क करता है। कुशन मतलब एक तरह से पिलो, ठीक है, उसको खराब नहीं होने देगा, कहीं अगर चोट लग गई, कहीं भी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड ही रहता है, ठीक है, झटका नहीं लग सकता उसमें ज्यादातर केस में। अब सेरिब्रम की बात करें, तो यहाँ पर आपको थ्योरी लिखी हुई है कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है? सेरिब्रम है, ठीक है। अगर मैं सेरिब्रम की बात करूं, तो अभी हमने बोला कि सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो सेरिब्रम जो होता है इस तरह से, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है। हमारा जो सेरिब्रम है वो एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में और एक राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है। कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। दोनों किससे कनेक्ट होते हैं? राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो हमने देखा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम,
मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट सेरिब्रम, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर से बना हुआ सेरिब्रम, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रम, ओके बोथ द हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। नाउ यहां पे आपको बात कर रखी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म्स आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ सेरिब्रम, हमारे सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पोर्शन, जैसे मान लो ये सेरिब्रम है तो इसका सबसे बाहर का पोर्शन, सबसे बाहर का पोर्शन किसने बनाया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने बनाया। ओके तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, तो सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पोर्शन किसने बनाया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने बनाया। द सर्फेस ऑफ कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड एंड फॉर्मिंग गायराई, ठीक है, गायराई बोल लो गायरी बोल लो। तो जो सर्फेस होती है ना कॉर्टेक्स की, मैंने अभी आपको बोला कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारे सेरिब्रम की, ठीक है, जैसे ये सेरिब्रम हुआ तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे हम इसे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो सर्फेस होती है ना इस कॉर्टेक्स की जो सर्फेस है वो हाईली फोल्डेड होती है इस तरह से, ठीक है, वो गायरी बनाती है जिसमें होते हैं अपवर्ड फोल्ड्स। कैसे फोल्ड होते हैं? अपवर्ड फोल्ड। तो हमने बोला कि सेरिब्रम की आउटर मोस्ट सर्फेस होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वहां पर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं गायरी, जिसे बोलते हैं अपवर्ड फोल्ड, ठीक है। और एक होते हैं सल्काई, इस तरह से होता है, देखो ये सेरिब्रम, ये हमारी बाहर की सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे बाहर की लेयर, और यहाँ पर गायरी और सल्काई होते हैं। गायरी मतलब अपवर्ड फोल्ड और सल्काई मतलब लोअर फोल्ड डाउन फोल्ड, ठीक है। तो एक तो अपवर्ड हो गए और एक डाउनवर्ड होंगे, ठीक है, इस तरह से एक तो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड को तो फोल्ड बोल रहे हैं और डाउनवर्ड को ग्रूव बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो बिनिथ द ग्रे मैटर, अब यहाँ पे ग्रे मैटर की बात आ गई। ग्रे मैटर की अगर मैं नीचे देखूं तो मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं विच गिव ओपेक व्हाइट अपीयरेंस कंप्राइजेस ऑफ व्हाइट मैटर। देखो हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है। अभी तक आपको सेरिब्रम क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। लार्जेस्ट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बना है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कनेक्ट होता है कॉर्पस कैलोसम से। और हमने देखा कि सेरिब्रम की सबसे बाहर लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें फोल्ड होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड को हम बोलते हैं गायरी और डाउनवर्ड को हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है। और अगर मैं ग्रे मैटर के नीचे देखूं तो ग्रे मैटर के नीचे मुझे दिखते हैं मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड न्यूरॉन, ठीक है, जो कि व्हाइट अपीयरेंस एंड कंप्राइजेस ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट अपीयरेंस देते हैं। इच हेमिस्फीयर, हमने भी देखा था ऊपर की राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो इच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल लोब, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल, तो आप उस डायग्राम को यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कंटेन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन एरिया, हमारे सेरिब्रम में सारे एरिया होते हैं सेंसरी मोटर एसोसिएशन, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लाइन की तो एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो अभी हमने बात करी कि हमारे सेरिब्रम में तीनों एरिया है सेंसरी मोटर एसोसिएशन, जो एसोसिएशन एरिया है वो रेस्पॉन्सिबल है इंटर सेंसरी फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रेन स्टेम की, तो आपको ये क्लियर हो गया पूरा सेरिब्रम मैंने अच्छे से समझा दिया, लार्जेस्ट है कॉम्प्लेक्स से, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कनेक्ट होता है कॉर्पस कैलोसम से, बाहर की लेयर होती है सेरिब्रम की सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सबसे बाहर की लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें यहाँ पे फोल्डेड देखने को मिलती है, कुछ अपवर्ड फोल्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं गायरी, कुछ डाउनवर्ड ग्रूव होते हैं जिसे हम कहते हैं सल्काई। और अगर मैं इनके नीचे देखूं ग्रे मैटर के तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मेरे को मिलेंगे, बहुत सारे नर्व फाइबर मेरे को देखने को मिलेंगे जो भी व्हाइट कलर देते हैं, व्हाइट मैटर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी जो हेमिस्फीयर थे राइट एंड लेफ्ट, वो दोनों में से हर दोनों मतलब ईच हेमिस्फीयर कंटेन फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल कंटेन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन, हमारा जो सेरिब्रम है वो सेंसरी मोटर एसोसिएशन तीनों रखता है। और एसोसिएशन एरिया रेस्पॉन्सिबल किस किस के लिए होते हैं? इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। नाउ वी मूव ऑन ब्रेन स्टेम, बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है आपको मिड ब्रेन, फिर आपको दे रखा है पोन्स, फिर आपको दे रखा है मेडुला ओब्लोंगेटा, ओके। वन बाय वन कवर करेंगे ब्रेन स्टेम को,
तो जो मिड ब्रेन आपको दे रखा है वो टॉप पार्ट है ब्रेन स्टेम का और क्रूशियल है फॉर रेगुलेटिंग ऑफ आई मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोन्स। जो पोन्स होता है वो मिडिल पोर्शन होता है, पी से पोन्स, पी से पोर्शन, कौन सा मिडिल पोर्शन। तो पोन्स जो होता है मिडिल पोर्शन होता है हमारे ब्रेन स्टेम का और ये हमारे फेशियल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे मैं आंख ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मैं मुंह बना रहा हूँ, तो ये जो भी मेरा फेशियल मूवमेंट है ना वो सब कौन कंट्रोल करता है, पोन्स कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि मेरी हियरिंग एंड बैलेंस ये भी कौन कंट्रोल करता है, पोन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पोन्स के काम हो गए, एक तो हमारे फेशियल मूवमेंट को देखता है, एक हमारी हियरिंग और बैलेंस बना के रखता है। मिड ब्रेन जो होता है टॉप पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का और रेगुलेट करता है हमारी आई मूवमेंट्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। बॉटम पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम हेल्प रेगुलेट ब्रीथिंग, हार्ट रिद्म एंड बीपी एंड स्वेलोइंग। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारा बॉटम पार्ट है, क्योंकि हमने देखा सबसे टॉप पार्ट तो हो गया मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन इज द टॉप पार्ट विच रेगुलेट आई मूवमेंट। ओके, पोन्स इज द मिडिल पार्ट, मिडिल पोर्शन विच रेगुलेट फेशियल मूवमेंट, हियरिंग एंड बैलेंस। नाउ मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम हेल्प रेगुलेट ब्रीथिंग, हार्ट रिद्म, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग। हम जो भी खाना निगलते हैं उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑल्सो सर्व एज ए एंट्री एंड एग्जिट ऑफ 10 out of 12 क्रेनियल नर्व। जो 12 में से 10 क्रेनियल नर्व है ना उनकी एंट्री और एग्जिट को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से पंगे मत लेना, क्योंकि वो आपकी ब्रीथिंग, हार्ट रिद्म, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग और 12 में से 10 नर्व की एंट्री एंड एग्जिट पे ध्यान रखता है, कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हो जाएगा ब्रेन स्टेम। नाउ नेक्स्ट इज सेरिबेलम, और यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि थ्योरी भले ही आप कम लिखो डायग्राम अच्छे से बना के आओ तो बहुत नंबर मिल जाते हैं, एचएपी में तो मेन डायग्राम ही है। नाउ सेरिबेलम की अगर मैं बात करूँ तो मेडअप ऑफ 3 लोब, 2 तो लेटरल होते हैं और 1 वर्मिस होता है। ठीक है, सेरिबेलम की बात कर रहा हूँ जो कि 3 लोब से बनता है, 2 लेटरल, 1 वर्मिस। बोथ लेटरल लोब बिकम एनलार्ज एंड स्फेरिकल इन शेप। अब जो दोनों लेटरल लोब होते हैं ना, ये दोनों लेटरल लोब एनलार्ज हो जाते हैं। बोथ लेटरल लोब बिकम एनलार्ज एंड स्फेरिकल इन शेप। कैसे शेप के हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं। तो हमने देखा सेरिबेलम जो है 3 लोब से बना है, 2 लेटरल, 1 वर्मिस। जो 2 लेटरल लोब होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। सो लेटरल लोब ऑफ सेरिबेलम ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो लेटरल लोब होता है ना सेरिबेलम का, एनलार्ज होने के बाद और स्फेरिकल शेप में आने के बाद, हम इसे क्या कहते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या होता है, 3 लोब से बनता है, 2 लेटरल, 1 वर्मिस, और जो दोनों लेटरल पार्ट है वो एनलार्ज हो जाते हैं और स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं, और इन दोनों लेटरल पार्ट को हम कहते हैं सेरिब्रेलर हेमिस्फीयर। ड्यू टू दिस रीजन रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल इज मोर डेवलप। और हम एनिमल्स में क्या होता है कि ये 2 लेटरल जो है लोब ये एनलार्ज हो जाते हैं और स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें सेरिब्रेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये एनलार्ज होने की वजह से पता है क्या होता है, ये एनलार्ज होने की वजह से हमारे जो रेगुलेशन है और कोऑर्डिनेशन है ना वॉलेंट्री मसल के, हम जितने अच्छे से चल सकते हैं, कराटे, कुंफू, क्रिकेट, फुटबॉल खेल सकते हैं, वो और कोई एनिमल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हम में जो है ये डेवलप हो चुके हैं लेटरल लोब्स। ठीक है, एनलार्ज हो चुके हैं, स्फेरिकल शेप में आ चुके हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं मैंने वो बन चुके हैं। तो इनकी वजह से क्या है, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन हमारा काफी अच्छा है, बाकी अदर प्रजाति अगर हम देखें तो उनसे काफी अच्छा हमारा रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने आपको फ्रंटल लोब बता रखा है, टेम्पोरल लोब बता रखा है, गायरी हमने देखा था अपवर्ड, ठीक है, सल्काई हमने देखा था डाउनवर्ड, ठीक, ये अपवर्ड पे आ रहा है और ये डाउनवर्ड पे आ रहा है अंदर। ये ऑसिपिटल लोब है, यहाँ पे सेरिबेलम आपको दे रखा है, दिस वन इज सेरिबेलम, दिस वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जहां यहाँ से निकलेगी इसलिए हमने स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, ये डायग्राम आपको करके जाना। एंड नेक्स्ट डायग्राम है, ये है सेरिबेलम का,
तो ये भी एज इट इज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, यह है वर्मिस, यह है हेमिस्फीयर, ये प्राइमरी फिशर है, ये बीच का है तो हॉरिजॉन्टल, और ये एंड का है तो पोस्टीरियर। बस इतने से नेमिंग आपको कर देनी है। ठीक है, अब लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है इन टर्मिनल पार्ट ऑफ वर्मिस वन पेयर इज फ्लॉक्यूलेंडर लोब आर फॉर्म्ड। यहाँ पे जो होता है ना वर्मिस का टर्मिनल पार्ट, ये मैंने जो आपको वर्मिस दिखा रखा है इसके टर्मिनल पार्ट में, ये सेरिबेलम का डायग्राम है। ठीक है, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम सेरिबेलम को, कि सेरिबेलम के टर्मिनल पार्ट में जो वर्मिस होता है ना वहां पे वन पेयर जो है फ्लॉक्यूलेंडर लोब्स फाउंड होते हैं, अगर आपको याद रखना है। ठीक, नहीं तो बहुत एक्स्ट्रा लाइन है फ्लॉक्यूलेंडर लोब्स की। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी थ्योरी दे रखी है मैंने सेरिबेलम से रिलेटेड। यहाँ पर आपको मैंने फिर नीचे आपको वेंट्रिकल्स बता रखे हैं ब्रेन के, जहाँ पे CSF बनता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा, थर्ड वेंट्रिकल आपको एपिथैलेमस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो फर्स्ट एंड सेकेंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थर्ड एपिथैलेमस, फर्स्ट एंड सेकेंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थर्ड एपिथैलेमस। ठीक है, एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज फाउंड इन मेडुला। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कोरोइड प्लेक्सस के बारे में बता रखा है, फंक्शन ऑफ CSF दे रखे हैं, और आपका हो चुका है। ठीक है, तो हमने आज कवर किया सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, CSF, ब्रेन की कैविटी डायग्राम्स, दैट इज सेरिबेलम का डायग्राम है ये। ओके, ये आप किसी में भी बना सकते हो चलेगा, चाहे सेरिब्रम में बनाओ, बेलम में बनाओ, ब्रेन स्टेम में बनाओ, क्योंकि उसमें सारी नेमिंग है। ये ब्रेन स्टेम और ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए अपडेट के लिए, नोट्स के लिए। और आई होप आपको सफिशिएंट क्वांटिटी मैंने नोट्स की प्रोवाइड कर दी है और सफिशिएंट नॉलेज भी मैंने आपको दे दी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको याद करा सकूं। ठीक है, बाकी आप नोट्स एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास 10th और 11th 12th की बायोकेमिस्ट्री क्विक रिवीजन सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ नीट के लिए करा रखी है, तो काफी हेल्पफुल रहेगा उन्हें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।